निकल रहे थे, जब चलते चलते मिले उन्होंने, उनके आदमी फोटो खींचने वाला था, फिर नीचे वो गाड़ी में बैठे तो भाग रहे थे पीछे, मेरे पास इतनी पक्की रिपोर्ट रखना पड़ती मेरे को। लेकिन कहते हैं ना, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि लोग सच मान ले। तो यहाँ के आमदार साहब जो है, मैं समझता हूँ जितने भी आजी माजी आमदार आज तक हुए, इनका झूठ बोलने के अंदर सबसे पहला नंबर आता है। मैं भी 10 साल आमदार था कि चीफ मिनिस्टर को या नगर विकास मंत्री को या अर्थ मंत्री को आमदार का पत्र दे दिए और विकास निधि मंजूर हो गई, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। सामने आमने अधिवेशन के अंदर बाहर गेट के ऊपर अर्थ मंत्री को मिल लेना, दो बात गुफ्तगू कर लेना, लेटर दे देना, इससे पैसा मंजूर हो जाता है, ऐसा नहीं मानता मैं। ये फिर एक सफेद झूठ इनका कल रात से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अखबारों के जरिए शहर के अंदर बातें चल रही है। और आगर रोड जो सकावत होटल से लेकर के दरे गांव तक जो बनवाना है, उसको कम से कम 20 करोड़ रुपया लगने वाला है, जिसमें से अभी कॉरपोरेशन 9 करोड़ का टेंडर आगर रोड का निकाल रही है, जिसमें से 9 करोड़ के अंदर उसकी लेन जो है सकावत होटल से लेकर के तुम्हारे नेशनल कंपाउंड के आसपास जा पाएगी और आगे और करीब करीब 12 करोड़ रुपया और लगेगा जो नया मार्च का बजट आएगा। इंशाल्लाह हम बजट के अंदर उसको तरतूत करने वाले हैं, हेड रखने वाले हैं, ताकि वो आगे तक का वो रास्ता बन जाए। दोनों साइड की गटर मैं तो पहले भी बतला चुका हूँ ये बातें, दोनों साइड का दोनों नाले भी आरसीसी। इस तरीके से जैसे चाहे वो पवारवाड़ी की जो दोनों नाले है, लेकिन उसको शायद अभी तो मैं समझते ये 2 करोड़ जो है नाले का, जो अपने पावर बड़ी मालेगांव से लेकर के और जो जम्बे सेठ घर के पास से पवारवाड़ी ब्रिज तक मैंने रखा था, वो भी टेंडर हो रहा आज पवारवाड़ी नाले का। हाँ, वो बुहारी गटर उधर से बनती हुई चली आ रही है, इसके लिए शायद उसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो जिस तरीके से पैसा वो फजूल हो जाता है। इन्हें एक तरफ से बुहारी गटर भी बनती आ जाएगी और अगर ये गटर अगर अपनी बन जाती है अपने फंड की तो वो वाया जाएगी, इन्हें फिर तोड़ के फिर वो बुहारी गटर बनेगी, अंडरग्राउंड गटर बनेगी। इसी तरीके से उसको कई और काम में लिया जाएगा। तो वो 2 करोड़ बचेंगे मतलब ऐसा? हाँ, 2 करोड़ बच गया तो अभी वो क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन वो आज पूरी माहिती शाम तक आ जाएगी। हाँ। तो उसको भी आगे और कहीं ना कहीं दूसरे काम के अंदर लिया जाएगा, ताकि उसमें और एकाधी कोई रास्ता अच्छा हो जाए या इसी में आगे इसकी लेन बढ़ जावे, वो हम कोशिश करेंगे। आप लोग को शायद नहीं मालूम होगा, जाके मालूमत लेना आप लोग, कोविड के जमाने के अंदर 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने आमदार फंड दिया था सभी आमदारों को, जिसमें से आमदार साहब ने 50 लाख रुपया सिविल सर्जन को दे दिया था, जो कोविड के जो भी इंतजाम लग रहे, दवाइयाँ वगैरह, मास्क वगैरह, सैनिटाइजर, उसके लिए 50 लाख गया, 50 लाख बचा हुआ था।
वो लेप्स हो गया। क्या हुआ? वो लेप्स हो गया। मेरे समझ में नहीं आती, बातें करने से विकास नहीं होता, उसके लिए पूरी पूरी मेहनत करना पड़ती। सैंक्शन हुआ था क्या फंड? 1 करोड़ रुपया सभी आमदारों को मिला था, समझे? लेकिन इन्होंने 50 लाख उसके अंदर से कोविड के लिए सिविल सर्जन को दे दिया था नासिक, उसमें जो भी कमीशन मिलेंगे वो अलग बात है। लेकिन 50 लाख रुपए जो बचा था, समझे, उसमें अगर रास्ते कुछ करना था, कुछ तो रास्ते, गांव के 2-3 रास्ते तो हो जाते थे, वो 50 लाख रुपए लेप्स हो गया। अब बता, जो 50 लाख रुपया आ करके गवर्नमेंट का अंदर फंड का पीडब्ल्यूडी के अंदर पड़ा हुआ है, उसका आप खर्च नहीं कर सके शहर में, तो क्या ये 5 करोड़ और 12 करोड़ ला सकेंगे? मैं तो सुनी रहा साल भर से, जब से अंदर हुए सब, जब से मैं 12 करोड़ ला रहा। हम भी इंतजार कर रहे थे कि आज निकल आ जाएगा, फिर कॉरपोरेशन का फंड कम से कम खर्च नहीं होगा। अंदर से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, निभाएंगे, लेकिन वो कुछ आया नहीं। इसलिए हमने कॉरपोरेशन के थ्रू, महापौर साहब ने तय किया और अधिकारियों ने तय किया कि हमारे अपने फंड से रास्ते को बना दिया जाए, और इसलिए उसके ऊपर अमल किया गया। और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे जनवरी एंड तक हम इंशाल्लाह उसका, मराठी में बोलते भूमि पूजन और उर्दू में बोलते संगी बुनियाद, वो रख दी जाएगी, दोनों नाले के भी और रास्ते के भी। मेरा कहने का मतलब यही है, ये एकदम झूठा आदमी है, झूठा आमदार है, सच बोलना इस आदमी को आता नहीं है। अब एक काम होने जा रहा है, जो काम 9 करोड़ के अंदर पूरा नहीं हो रहा है उसको 20 करोड़ लगने वाले हैं, और 5 करोड़ की मंजूरी कहाँ है, वो लेटर कहाँ है, वो सेंशन अगर गवर्नमेंट ने किए तो पत्र आता है पीडब्ल्यूडी को। खाली बातें करने से, असेंबली से न्यूज भेज देने से, शहर में वावेला बचा देना और लोगों को गुमराह करना, ये इंसान का सिर्फ यही एक काम है। साथ साथ में अभी उन्होंने कहीं तो भी एक प्रोग्राम लिए थे, कुछ लोगों का इस्तकबाल उन्होंने रखा था अभी 2-4 दिन पहले, फिर उन्होंने वो बात कही कि जो लोग अतिक्रमण धारक है उनको पानी नहीं मिल रहा, और दाबाड़ी को पानी भेज दिया जाता। अब इनको इतनी सूद नहीं है कि पिछले दिनों जब गवर्नमेंट का 60-70 करोड़ रुपया जो आया था अमृत योजना का, उसमें से शहर के हर इलाके में, चाहे वो अतिक्रमण धारक हो, चाहे वो छोटे प्लाट वाले हो या बड़े प्लाट वाले या लेआउट जमीनें हो, हर जगह तक उनको पानी पहुंचा दिया गया। हर जगह जहां पाइपलाइन नहीं थी, जहां हदवाड़ हुई, वहां भी हर जगह के ऊपर लोगों को मीठा पानी शहर का पीने उनको मिल रहा है कॉरपोरेशन का। और ये बोलते दाबाड़ी को भेज दिया कॉरपोरेशन ने पानी। मैं पिछले टाइम कुछ, ये 2 लोगों ने मेरी बाइक ले ली थी, सब लोगों को मैं नहीं बुला पाया था, और क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाइयों के अंदर ये बात जाना चाहिए, सबको मालूम है कि मेरे टाइम में जब मैं महापौर था, जो 12 गांव पानी योजना है दाबाड़ी वाली, उनकी वो योजना शुरू है पहले से ही बरसों बरस से, लेकिन क्योंकि दाबाड़ी गांव थोड़ा बढ़ गया है, पानी शायद उनको कम पड़ने लगा, तो उनकी डिमांड आई थी ग्राम पंचायत की कॉरपोरेशन की तरफ कि हम गवर्नमेंट से 50 MCFT हमारा 50 MCFT पानी हम मंजूर करा के लाएंगे,
कॉरपोरेशन का हमको एनओसी चाहिए कि जो आपका तलवाड़ा डैम है अब उसकी सीमा बढ़ गई, क्योंकि 100 एकड़ जमीन हमको गवर्नमेंट से मिल जाने के बाद सेती महामंडल की, उसका कॉरपोरेशन ने 1 करोड़ 25 लाख रुपया कॉरपोरेशन ने, आज के जो महापौर है उस 2012 के महापौर वही थे, और उस टाइम कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार थी, जो आज के महसूल मंत्री है बाड़ा साहब थोराद, कल भी वही महसूल मंत्री थे पिछली सरकार में जब पृथ्वीराज बाबा सीएम थे, उस वक्त तो हमने जाकर के महापौर मैं खुद और दादा भूसे साहब खुद साथ में थे, थोड़ा साहब से मंजूर करा के लाया और 100 एकड़ की हमको मंजूरी मिली, 1 करोड़ 25 लाख रुपया कॉरपोरेशन ने भरा और उसका ताबा मिला और तलवाड़ा डैम की सतह भी बढ़ गई और उसकी चौड़ाई भी बढ़ गई। हमारा जो पहले 45 MCFT पानी उसके अंदर जो हमको मिलता था वो उसके अंदर जमा रहता था, अब वहाँ डबल 90 MCFT 85 MCFT पानी हमारा वहाँ पे आज स्टोर रहता है, और दाबाड़ी गांव का जो 50 MCFT आएगा गवर्नमेंट से सेंक्शन होने के बाद, वो ग्राम पंचायत जिला परिषद और सरकार से उनकी डिमांड उनकी गई हुई है, वो उसके ऊपर उनका फॉलोअप चल रहा है, वो मंजूर जब हो जाएगा पानी जब आ जाएगा उस वक्त तो तलवाड़ा डैम के अंदर पानी रख सकते हैं। आज कॉरपोरेशन से जब वो पानी रखने के लिए जब उनका पानी मंजूर हो जाएगा तो बाकायदा कॉरपोरेशन से एग्रीमेंट होगा और फिर पानी वहां रख सकेंगे। ये अलग बात है, मेरे को भी मालूम मिली कि उन्होंने वहां पर अपना इंतजाम कर चुके पानी उठाने के लिए, अभी लेकिन पानी उठाया नहीं गया और बल्कि कॉरपोरेशन ने उनको नोटिस भी दे चुकी है कि तुमको जो भी तुम्हारा अगली कार्रवाई करना थी, पाइपलाइन वगैरह बिछाना थी या तुम्हारा पंप वगैरह बैठाना था तो पहले कॉरपोरेशन से परमिशन लेना था फिर करना था, लेकिन आज उनका फॉलोअप चल रहा है, गवर्नमेंट उनको जब मंजूरी दे देगी 50 MCFT की तो जब उनको पानी रखने दिया जाएगा, क्योंकि कॉरपोरेशन ने उनका ठहराव किया है, अगर वो ऐसा कोई पानी उठाएंगे पूछ के कॉरपोरेशन से संपर्क करके कोई लेटर पत्र व्यवहार करके, जिस तरीके से हमने मंसूरा का एक ठहराव किया था, मंसूरा क्योंकि मालेगांव कॉरपोरेशन हद में नहीं है, वो चंदनपुरी में आता है, उसकी कुछ पाइपलाइन हो भी लेकिन आगे प्राइवेट जमीनें होने की वजह से उसको लाइन नहीं मिल सकी, उनको हम पानी नहीं दे सके, उनसे हम पैसा लेने वाले थे, अगर कोई वजह से अगर इनको पानी अगर मान के चलो दिया भी जाएगा, आज नहीं दे रहे ना वो उठा रहे, तो उस वक्त तो उनसे बात करेंगे भाई हमारा इतना पैसा तुम दो, जब जाके पानी उठाओ जब तक तुम्हारा मंजूर होकर नहीं आता, लेकिन जब आज ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक लोगों के अंदर वो एक गलत फहमी है शहर के अंदर फैला रहे, और इसको मैं मानता हूं कि दाबाड़ी गांव को पानी भेज दिया गया, हमारा पानी ये बातें भ्रम फैला करके शहर में हिंदू मुस्लिम का राजकरण करना चाहते हैं। मरहूम निहाल अहमद साहब जो थे उनका भी यही राजकारण रहा, आज उनके जो लोग हैं और आज के जो आमदार हैं ये भी आज भी वही राजकारण कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है मालेगांव से हिंदू मुस्लिम का जातिवाद का मालेगांव से ये विषय खत्म हो चुका है, लेकिन इसको फिर से उभारने की कोशिश की जा रही है, वो सिर्फ इसलिए कि 1.25 साल के बाद में कॉरपोरेशन इलेक्शन है और शायद उसके अंदर ये कोशिश कर रहे कि इनकी कुछ सीटें बढ़ जाएगी,
लेकिन शहर जानता है, मैं जानता हूँ, आप लोग जानते हैं, पत्रकार भाई लोग सब, मालेगांव के अंदर पार्टी वार्टी नहीं चलती। सब्बीर सेठ से न्यायालय मत थे तो खाली सब्बीर सेठ और न्यायालय मत के मानने वाले वोट करते थे। जब मैं शुरुआत किया, मैं राजकीय के अंदर आया तो न्यायालय मत साहब को जो मानने वाले थे उनको वोट करते, जो मुझे मानने वाले थे कांग्रेसी, जो कांग्रेस की अपने आप को बोलते हैं, हमारे कांग्रेस के लोग, वो पक्ष छोड़ करके व्यक्तिगत मत देते, उनको भी वोट देते, हमको भी देते। और अभी भी जो है, अगर कॉरपोरेशन के इलेक्शनों में जो हमारे मानने वाले हमको वोट देंगे, उनके मानने वाले उनको वोट देंगे। पार्टी का सिर्फ एक टाइटल है मालेगांव के अंदर, तो मैं ऐसा समझता हूँ। नहीं तो जो न्यायालय साहब की वोट मुफ्ती साहब की तरफ कन्वर्ट हुई, वो मुफ्ती साहब को वोट देते। जो हमारी पहले से जो वोट है, वोट हमको मिलती है और मिलेगी। इन्होंने तो बहुत कोशिश की है पहले से, अब शायद ऐसा बोल रहे कि इनकी 10 सीट भी नहीं आएगी। हर हम तो 9 सीट के ऊपर ही महापुर बना है यहाँ पे, शहर जानता है अच्छी तरह। और जब से ये कोशिश कर रहे, पीछे टाइम भी हमारी 25 आई थी तो इनकी 19 आई थी जीत। और हमको तो मानता ही नहीं ना, जैसे ऊपर सरकार है, यहाँ जो पैटर्न चलता था सेना कांग्रेस साथ में 25 साल से चल रहा है, आगे ये पैटर्न हमारा चलने वाला है। और बल्कि अजाफा हो जाए तो एक आध पार्टी और दूसरी। और हम ये शहर में विकास करना अच्छी तरह जानते हैं, और शहरियों से मेरी गुजारिश है कि इनकी झूठी बातों में, झूठे झांसे में ना आते हुए जो काम करेगी पार्टी के लोग उनको वोट देना चाहिए, जो विकास ये शहर का कर सकता है उनको वोट देना चाहिए, ना कि तेरी मेरी। कौन विकास करने वाले लोग है, कौन डेवलप करने वाले लोग है, कौन जमीन जमीन के ऊपर काम करते हैं, उनके साथ आवाम ने रहना चाहिए। अगर हमारा मेंबर अगर कोई काम नहीं करते, तो अगर ऐसे हमारे कुछ मेंबर अगर हो गए भी, तो आने वाले दिनों के अंदर उनकी छटाई भी हो जाएगी। ऐसे लोग को हम टिकट ही नहीं देंगे उस वक्तों पे। लेकिन हमारे पूरे मेंबर ये कोशिश करते हैं किस तरीके से काम हो अपने वार्डों के अंदर, और हम करते आए। आज भी इनके कई मेंबर चुनकर आए ले, 14 नंबर का पैनल देख लो, एक से एक महारथी चुन करके आए ले। कहाँ काम है मुझे बताओ, पूरी आवाम वहां की परेशान है। तो कहने का मतलब यही एक मिसाल नहीं है, इनके लोग कहीं काम करते ही नहीं। वो इसके लिए नहीं करेंगे ना, जब इनका आमदार नहीं करता है ना, तो इनके मेंबर क्यों करेंगे। खाली कुछ ना कुछ विषय ला करके वावेला मचाने का इतना ही काम उन लोगों को रहता है। और हमारे लोग जमीन पे काम करते रहते, करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। खाली मैं एक बात फिर गुजारिश करूंगा कि झूठे आमदार साहब ने वो सेंशन जो पैसा मंजूर हुआ गवर्नमेंट का, वो लाके आवाम के सामने बताना लेखी में, हाँ ये पैसा मंजूर हो गया, ये पैसा पीडब्ल्यूडी में आ गया। और अगर आ गया पीडब्ल्यूडी में तो तुम दूसरा कोई काम सुझा देना। बहुत रास्ते इनके मोहल्ले के, बहुत रास्ते खराब है। अभी मार्केट वाला रोड जाओ तुम, बहुत खराब हो गया। आगे चले जाओ डायरेक्ट जूना पुलिस स्टेशन तक, जूना आजनगर पुलिस स्टेशन तक, वो रास्ता पूरा खराब है। पहले तो बोलते मैं रोड गटर की सियासत नहीं करता, बोले। तो ऐसे शहर में बहुत सारे काम है, तुमने लोगों की वोट लिए, चुन के गए है, तो तुम भी ये काम करके दिखाओ। हम तो अपनी जिम्मेदारी कॉरपोरेशन के थ्रू निभा रहे महापुर, और हम और निभाते रहेंगे। ये तो लिखी देने की तुम्हारे खाली जरूरत है क्या है अभी। अगाड़ी ने साथ में लड़ी ना, जब हम चुन करके आए ना ज्यादा सीट, 6 में 5 आ गई, 6 में से 5 आ गई ना। वो छठी भी आ जाती अगर फूटते नहीं लोग तो।
हाँ ये ऑनलाइन टेंडर कब तक जारी हो जाएगा ऐसा एक रोज इंशाल्लाह शाम तक हो जाएगा ऐसा। वो पेपर में भी आता ना हाँ। ये नहीं वो अखबारों में भी आता और ऐसा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी वो निकल रहे थे जब चलते चलते मिले उन्होंने उनका आदमी फोटो खींचने वाला था फिर नीचे वो गाड़ी में बैठे तो भाग रहे थे पीछे मेरे पास इतनी पक्की रिपोर्ट रखना पड़ती मेरे को। अरे सवाल ही नहीं पैदा होता ना मंत्री से खड़े खड़े भी मुलाकात होती है ऐसा विषय नहीं रहता लेकिन उसमें सही बात नहीं हो पाती एंडॉक्स से मंत्री मार नहीं पाता समझे वो बैठ करके इत्मीनान से बात की जाती है और फिर उनको अपना निवेदन दिया जाता उसके ऊपर फिर वो हैंडॉक्स से मारते हैं मंत्री और फिर डिपार्टमेंटली फिर घूमता है वो और उसका फॉलोअप लेना पड़ता कि भाई यहाँ से सीएम ने डिप्टी सीएम ने अर्थमंत्री ने नगर विकास साहब ने किधर लेटर भेजा फिर वो डिपार्टमेंटली घूमना पड़ता है कक्ष अधिकारी के पास जा कहाँ वो पत्र नोन हुआ फिर वहां से कहाँ गया तो ऐसा चलना पड़ता उसके पीछे इसके लिए बोल रहा हवाई हवाई बात नहीं रहती अंदर बन जाना अलग बात है फंड लेकर के आना ये अलग बात है और फंड इनको मिलेगा क्या यार सोचो तुम तो। हो रहे हो पैसे लेते हा? वो सरकार के लोग जानते ना सरकार बनाने के टाइम वोट करने का वादा था इनका लिया गया था लेकिन नॉन वोटिंग रह गया उसमें भी तो फिर सरकार चलाने में लोग पागल है क्या वो नजर में रखते ऐसे लोग को ये गया अनशेंशन हो यहाँ का बना ऐसा था तो इसीलिए बोल रहे झूठा आदमी है इतना झूठा अंदर मैं बोला ना जब से महाराष्ट्र असेंबली तैयार हुई होगी है ना वहां से लेके आज तक इतना झूठा अंदर कोई नहीं मिला होगा न्यायालय मत का कैसा क्लियर था तो नहीं, नहीं नहीं उनका विषय अलग ही था ना काम करना उनका विकास वो मतलब नहीं था ये शहर की नस को जान लिए तो ढंग से राजकरण करते थे अब ये सोचते मैं भी वैसा कर लूंगा ऐसा थोड़ी होता अब यहाँ नौजवान से लेके बुजुर्गों से लेके सब चालाक लोग हैं पहले कम पढ़े लिखे थे अब बहुत बच्चे नौजवान जो ग्रेजुएट हो गए अब होशियार हो गए काम देखते हैं समझते अच्छी तरह ये अलग बात है कि भाई मानने वाले नहीं मानने वालों के इधर गुमराह हो जाते लोग झूठ को झूठी बोलकर क्या नहीं यही सही है ऐसा बोलते हैं कुछ लोग है ऐसे तुम काम मत करो हम तुम्हारे साथ है हमारे लोग तो बोलते तुम काम करो हम तुम्हारे साथ है